हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 11 बज रहे हैं कि 11:30, और मेरी सुबह हुई है, आज 14 तारीख है। तो मैंने सोचा आज भी व्लॉग बनाती हूँ, और बहुत अभी बहुत आलस और ठंड है यार। तो मैंने अभी अपना मुंह वगैरह धोऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे सो गई थी मेकअप के साथ। हम लोहड़ी सेलिब्रेट करने गए थे रात को, और ये लैशेस वाटर प्रूफ लैशेज है, ये ऑयल से निकालनी पड़ेंगी। तो गुड मॉर्निंग। वो अभी उठ के फटाफट मैंने गैस की गोली खा के पानी पिया है, और इसको गैस हो जाती है। अब हम नानी को लेने जा रहे हैं, शाइना की नानी को। तो हाँ, तो अभी हम बैठ गए, गाड़ी गर्म हो रही है, थोड़ी देर में निकलेंगे। के साथ मिलते हैं आपको, रास्ते में व्यू दिखाते हैं, कुछ तो दिखाते हैं। नानी वीडियो बन रही है, हेलो कर दो। हेलो हेलो, ठीक है, चलो। जय श्री राम। और अब हम नानी के घर से जा चुके हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं। यस, जाएंगे और नानी के साथ, नानी की बच्चियां। आज काफी अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है एकदम। क्यों रिश्ता? यस, ठेडा मत करना, सीधा मत चलाना। चलाई लेंगी अगले साल तक। यस, अब अपने ससुराल जाके सीखूंगी मैं, वहीं पे चलाऊंगी। ये हम पहुंच गए घर, और शाइना को लगी है तेज भूख। आज खिचड़ी बनी है, आज शायद मकर संक्रांति होती है ना, लोहड़ी से अगले दिन। जा भी ढूंढनी पड़ेगी मेरे को इसको। मजा हाथ से आता है ना। ओ यार, गर्म है बहुत। मैं और शाइना लगे स्कूटी की चाबी ढूंढने। कल शाम को हम आए, हमने स्कूटी खड़ी की, और उसके बाद अब पता ही नहीं है स्कूटी की चाबी गए। हम जिस रास्ते गए उसी रास्ते हम दोबारा चले हुए हैं कि मिल ही जाएगी शायद, और इसने रास्ता भी ऐसा चुना है ना, क्योंकि आंटी ने हमसे पनीर मंगाया था और वो हम भूल गए थे, फिर पैदल चली गई दुकान तक। हमारे को अभी जस्ट अभी अभी चाबी मिल गई है, और चाबी दिखाती हूं। और मिली किस चीज़ में? जिसमें हम लोहड़ी मनाने गए थे जैकेट में, हम गाड़ी में गए थे, हम स्कूटी की चाबी पता नहीं क्यों लेके गए थे। और हम इतनी गालियाँ पड़ेंगी ना, हम अभी नहीं बताएंगे, हम बाद में बताएंगे, कुछ बहाना बना के कि हमें कहाँ मिली। मैं अभी शाइना के शादी के लिए गाने सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिस पर ये शाइना नाचेगी। और ये खुद कुछ नहीं मेहनत करती हैं ये, और सारी मेरे से करवाती हैं। गाने सेलेक्ट करूं, डाउनलोड करूं, फिर उनको कट करके जोड़ूं, उनमें रिदम बिठाऊं, और ये बस रील ने स्क्रॉल करते रहेंगे। साइड में चश्मा उतार दिया मेरा, ये क्या है? ये अंधापन। ज़्यादा अंधापन है, बुरा हाल है भाई साहब। बाहर बैठे दो मुझे थोड़ी देर। चल है, चल। सो वी आर रेडी। तो अभी मम्मा पापा, मतलब मेरी मम्मा का बर्थडे आता है 11th को, और 14th है आज, तो आज मेरे पापा का बर्थडे। और हम सोच रहे हैं कि एक साथ ही दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम आज, मम्मा का भी पापा का भी। तो थोड़ा सा बलून्स, केक, खाने की चीज़ें कुछ ले लेते हैं, ताकि शाम को मज़ा आ जाए। मत ले बस खाने की चीजें बची है थोड़ी सी। सिद्धू तू मुंह छुपाती रहा कर। फ्राइड मोमोज मैं सिड्डू खा रही हूँ, क्योंकि आटे के हैं। मैं फ्राइड मोमोज खा रही हूँ क्योंकि इसके पास गॉल ब्लैडर है, मेरे पास नहीं है। वेज सूप 10 पीस में।
सारा सामान लेकर घर पहुंच चुके हैं। पानी पीना ये इतने दिनों से दिख नहीं रहा है। गरम पीना गरम पी गरम पी रुक जा नहीं नहीं गरम देती हूँ यार मम्मी गला इसका खराब होने वाला। और मेरी मम्मी ने गिफ्ट के तौर पर मेरे लिए तो सारे बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए तो मैं वो धोंगी और शायद ना गर्म पानी पिलाऊंगी। बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है। अभी हम प्रिपरेशन करेंगे तारुशी रिश्ता के मम्मा पापा के बर्थडे का बट आंटी को पता नहीं है। अभी हमने सारे बर्तन बर्तन धो लिए है और यहाँ पे सुबह पापा की पूजा भी हुई है मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पे बट अभी खत्म हो चुका है। मम्मी बोलते मैंने उठा भी दिया सारा सामान मतलब बर्थडे का मैं टैग फिर से अपने बर्थडे का यूज कर लूंगी क्योंकि उनके पास ऐसा था ही नहीं उनके पास फुलाने वाला था। मुझे फुलाने वाले नहीं अच्छे लगते हैं टैग्स। बोले एक और है मम्मा एक और है एक और है देखो एक और मिल गया हैप्पी बर्थडे वाला ये वाला यूज करूंगी ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हमने खूब सारे गुब्बारे फुला लिए हैं और हमने क्या है इधर रखो हमने मम्मी को ऐसे बोला है कि मच्छी का बर्थडे मम्मी का मनाना और पापा का एक साथ और मुन्ना गिफ्ट्स भी लेके आ रहा है चंडीगढ़ से पहुंच जाएगा और शाम को 8 बजे तक पहुंच जाएगा। अभी 6 बज रहे हैं इतने सारे गुब्बारे हो चुके हैं और ये कुछ भी नहीं करने वाली इंसान सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है मुझे ही करना पड़ रहा है। ये मुन्ना भी चंडीगढ़ से पहुंच गया है चल आशुरी सुसु करने गया है ना हाँ उसको काम था रास्ते में उतारा ये मैंने सजाया सारा मम्मी ने काम खराब कर दिया पर मम्मी आपके लिए भी आई पता है कुछ रिएक्शन तो दो कैसे मम्मी आपके लिए भी है पता है ना मच्छी मुच्छी का कोई बर्थडे नहीं है ये आप दोनों के लिए है तो आप भी रिएक्शन दो तीन चार लगा दे ताकि एक की भूख से बुझ जाएंगे दोनों का बर्थडे है आगे आगे लगा पीछे मत लगा हाँ बस माचिस कुछ है मम्मी पापा ही ले आएंगे ये हमारा डन हो गई है पूरी डेकोरेशन ये हमारा केक दिल कर रहा है इसको ऐसे मुंह पे मार लो यहाँ पे मोटी बेइज्जती हो रही है हाँ तू व्लॉग बना रही है नहीं मैं किसका व्लॉग बनाऊंगी अच्छा तेरा आशु पापा रिएक्शन जरूर डालना मम्मी का क्या रिएक्शन अच्छा 1 2 3 कर दो करो मम्मी वो पापा मम्मी का भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू आप जिए हजारों साल साल के दिन एक्टिंग एक्टिंग मम्मी को यही साइको पड़ा रहता है कि मुझे वो खिला देंगे अंडा नहीं अंडे वाला तो नहीं होना ये तो वेज हां नॉर्मल है नॉर्मल है प्योर नॉनवेज एक हाथ ही मत लगाओ अंडा लग गया हाथ में बैठो बैठो आप एक्टिंग तो करो हां एक्टिंग कर लो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं फोटो स्टूक की क्लिक कर रही है पूरे केक खाए ना हमने के खाना है पापा को खिला दे दो चलो अब ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा दिया हैप्पी बर्थडे पापा ये देखो मम्मी
मम्मी आपका भी बर्थडे है ये मम्मी मान ली है यार अच्छा मेरी बात पापा भी यार को आपका बना लेके ड्राई दे रही है देख इधर जूते मारने के लिए भी होता है आपको बर्थडे है ये सुंदर है ना मार पड़ेगी सॉरी से बात होती है मुझे क्या बोले पुत्र की यार है चंगे हैं नहीं नहीं हिंदी बोलते मेरे साथ उनको पता है उनको मैं उनको पता है मेरे को नहीं आती है वो तो पूरी पूरी अच्छे हैं अभी तो अच्छे बात में लगे हो बता है ना खा लो चीज ये कुछ नहीं होंगे तो सेम जाए मुझे तो अभी आगे हो गया आज चंदा चार का आओ कल निक्की से मिलने जाना घर में मत बैठना अरे उसकी बेबी से मिलना नहीं ये पता है ये पता आज ये घर में हाँ मेरे को पता है स्ट्रीक स्ट्रीक ये इसमें डालनी है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग मम्मी पापा का बर्थडे हमने मना लिया अभी मैं मुन्ना और शाइना लेटे हुए थे और हम काफी देर तक खूब गप्पे शप्पे मार रहे थे और स्नैप पे भी अच्छी बन रही वीडियोस अगली बार से मैं व्लॉग स्नैप से ही बनाऊंगी फिल्टर्स तरह तरह के यूज करके पुनः देखी ना थैंक यू सो मच गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट क्या मैं इस सिरे बड़ा पढ़ के अच्छी बस करे